नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लव जिहाद मामले में अधिवक्ताओं ने रुकवाया युवती का 164 का बयान। धुरवा थाना के केस आईओ 164 का बयान दर्ज कराने के लिए युवती को लेकर पहुंचा था रांची सीजीएम कोर्ट। अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पिटीशन देकर युवती का रुकवाया 164 का बयान। मानसिक रोगी का दिया गया प्रमाण, माता पिता को सौंपा गया बेटी। युवती के पिता ने धुरवा थाने में दर्ज कराई थी बेटी की लापता जोन का मामला। दिसंबर माह से गायब थी युवती, दूसरे समुदाय के युवक से भाग कर कर ली थी शादी। पुलिस के दबाव के बीच युवती ने थाने में किया था सरेंडर। वही मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए सिविल कोर्ट के अधिवक्ता कृति सिंह ने बताया कि सैफ अली नामक लड़के ने दुर्गा की लड़की को अगवा कर लिया था और लड़की के पिता ने दुर्गा थाने में FIR दर्ज कर बताया था कि मेरी लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका इलाज चल रहा है। लड़के ने इसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लड़के ने उसका फायदा उठाते हुए उसे भगा कर ले गया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लड़की को इलाज के लिए घर वालों को सौंपना होगा, जिस पर कोर्ट ने लड़की को पिता के कस्टडी में भेज दिया है और रिम्पा से इलाज करने के निर्देश दिए हैं। लड़की धुरवा की थी, उसको जो है सो किडनैप कर लिया गया था और शायद कोई सैफ अली नाम का लड़का था, तो उसके पिताजी के द्वारा एक FIR किया गया कि जो मेरी बेटी है वो मेंटली इल है, उसका इलाज काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो उसी के चलते जो है ना वो FIR हुआ कि उसको उसका मेंटली इल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसको लड़के के द्वारा भगा कर ले जाया गया है और वो उसके इन्फ्लुएंस में है, ऐसा करके FIR हुआ था। आज शायद पुलिस के द्वारा लड़की को जो है सो बरामद किया गया था और आज न्यायालय में उसको लाया गया था। न्यायालय में लाने के बाद हम लोगों के द्वारा एक पिटीशन दिया गया लड़की के पिता की ओर से कि वो चूँकि मेंटली इल है इसलिए जो है उसका जो है आज 164 का बयान को रोका जाए, उसके संबंध में हम लोग मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो दिए। न्यायालय को लगा कि हाँ मेडिकल सर्टिफिकेट को देखते हुए न्यायालय के द्वारा डेफर किया गया है 164 को कि जब इनका इलाज सही ढंग से हो जाएगा, रिम्स से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है, अगर वहाँ पर इलाज सही ढंग से हो जाता है उसके बाद फिर वो न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उनके माँ बाप, और उनके माँ बाप को लड़की को हैंडओवर किया गया है।